क्वेश्चन 42 में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी और सी। सॉलिड स्फीयर है, थिन सर्कुलर डिस्क है बच्चों, और रिंग है, और मास रेडियस बराबर बोल दिए हैं और ओमेगा भी बोला है, सेम रख लो। वो कहता है कितना वर्क डन लग जाएगा इनको रेस्ट पे लाने के लिए, मतलब फाइनली ओमेगा डैश जीरो करने के लिए। तो पहले तो हमारे पास कौन है, एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, फिर हमारे पास एक डिस्क है, और फिर अपने पास एक रिंग है, और तीनों के पास ये चीज सेम है, एम कॉमा आर, एम कॉमा आर, और यहां पर भी क्या है, एम कॉमा आर। ये अपने सिमेट्रिक एक्सिस से रोटेट करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ए बोल देता हूं, यहां हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो पहले अपन इसके इनर्शिया लिख लेते हैं, तो इनर्शिया हो रहा है बच्चों ए, सॉलिड स्फीयर है तो आंसर हो जाएगा 2/5 mr² इनर्शिया फॉर बी हो जाता है। ये डिस्क है, डिस्क का आंसर होता है 1/2 mr², और थर्ड वाले के लिए सीधा सीधा होता है, डेरिवेशन करके रखा अपन ने mr², ठीक है। ध्यान रखना इन तीनों बातों का, ये तीनों पता होने चाहिए ए बी सी के टर्म्स में। अब वर्क का क्या करें अपन, वर्क कोई भी करता है दुनिया में, इंटरनल एक्सटर्नल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वो बराबर किसके आ जाता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल तो जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, या माइनस प्लस का तो काम नहीं पड़ना है, आप लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 i ओमेगा² अब यहाँ क्वेश्चन में कहता है ओमेगा भी हटा दो, तो अपन हटा देते हैं यहाँ पे, तो वर्क डन सीधा सीधा इनर्शिया पे रिलेट कर गया। अब कंपेयर कर लो, आसान है, यहाँ तो यहाँ वन लिखा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आई की है, फिर हाफ की है, और ये 0.4 है ये तो, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन वर्क डन सी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर वर्क डन आएगा बी का, फिर आएगा वर्क डन अपने ए का, और ये अपना सेटिस्फाइंग रिलेशन बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं।